साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे बीच में निर्भया के माता पिता भी हैं जिन्होंने शुरू से हमें खूब सपोर्ट करा है और कई बार यहाँ पर आए, वो भी हमारे बीच में है। जोर जोर एक बार तालियां बजा दीजिए। आज बच्चों के बोलने का दिन है, ये लड़ाई हमने बच्चों के लिए लड़ी थी तो बच्चे ही बोलेंगे, इसलिए मंच पे हमारे कई सारे बच्चे हैं जो स्वाति दी के साथ बैठे हैं, मैडम उनको एक एक करके बुलाएंगे। हमारे बीच में अली अनवर सर आए हुए हैं, कृपया करके उनको आप रास्ता दें। अली अनवर सर, मैडम की नानी जी आई हुई है और इस समय उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, ज्यादा मैक्सिमम वो हॉस्पिटल में रहती हैं। आज मैडम की नानी मैडम के पास आई हैं, जो कि अभी 90 इयर्स से ज्यादा हैं और बहुत ही बेचारे कई दिन से बहुत परेशान थी। कैमरा टीम का कौन है ये? कुर्सी के ऊपर चढ़ गया। इमोशनल पल है क्योंकि नानी जी की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है और वो लगातार हॉस्पिटल में ही कई महीनों से रह रही हैं और दो दिन ठीक रहती है, आठ दिन बीमार रहती है। इस स्थिति में वो मैडम के पास, स्वाति जी के पास आई हैं और मैं देश की मानी जानी समाज सेविका और अध्यक्ष दिल्ली महिला आयोग की, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस देश में एक नया कानून बनवाने के लिए, मेरे से भी अब लफ्ज नहीं बोले जा रहे हैं, एक नया कानून लेके आने वाली, जिन्होंने ये 10 दिन तक लगातार संघर्ष किया। मैं स्वाति जी को मंच देने मैट देने जा रही हूँ। स्वाति जी अब आपके बीच में बात रखेंगी। स्वाति, स्वाति जी को मैं मैट दे रही हूँ।